लोगों को समझदारी सिखाने के लिए तो पूरी उम्र लग जाती है और उसके बाद भी कई लोग समझदारी सीख नहीं पाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर सुंबुल तौकीर खान की, तो वो घर के अंदर जब से आई हैं वो तब से सबसे छोटी होने के बावजूद भी समझदार हैं। किसी का मजाक उड़ाते देखा उन्हें नहीं, किसी से बदतमीजी नहीं, किसी के साथ बदलिहाजी से बात करना नहीं, किसी की पीठ पीछे उनकी बैग बिचिंग करना, बुराई करना नहीं। लेकिन ये बाकी क्वालिटी, ये सारी क्वालिटीज जो है ये बाकी घर वालों में काफी हद तक मिसिंग नजर आती हैं। इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूँ कि सुंबुल ने जिस तरीके से कल कहा शालीन के सामने कि मेरे को सब बोलते हैं कि नो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और मुझे भी सुनकर ये सारी चीजें हर्ट होती हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर किस तरह से सुंबल ने ये बातें कही हैं, और बताती हूँ कि घर के अंदर इस वक्त फिर से सुंबल तौकीर खान क्यों हर्ट हुई हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस में घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसमें सुंबुल सबसे ज्यादा मुझे फंसती नजर आ रही हैं, बाकी सब तो फिर भी फ्लोट कर रहे हैं। देखिए, अब्दू को अब तक कुछ बुरा कहा नहीं गया है। अगर किसी को बुरा नहीं कहा गया तो वो अच्छे से जा ही रहे हैं। जैसे साजिद सर हो गए भाई, उनको तो घर के अंदर ऊ ना चू ना कुछ भी नहीं कहा जा रहा, ना उफ तक भी उनके लिए नहीं निकाली जा रही जबान से। तो ऐसे में मैं आपको बताने आ गई हूँ कि सुंबुल जो है, जिन्हें कॉन्स्टेंटली बिग बॉस से डांट पड़ रही है, जिन्हें लेकर कॉन्स्टेंटली बिग बॉस कुछ ना कुछ कहते रहते हैं या कोई और कुछ ना कुछ कहता रहता है, मैं आपको बता दूँ कि गौतम सौंदर्य, स्टैन गोरी, ये चारों लोग मिलकर सुंबुल का मजाक उड़ाते नजर आ रहे थे। जी हाँ, कि इसको तो गेम समझ में नहीं आता, इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गेम ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह, ये क्या कर रही है शो पर, तुझे तू यू नो तू चले जा। जिस तरीके से बिग बॉस ने खुद सुंबुल का मजाक बनाया था, जिस तरीके से बिग बॉस ने खुद ये किया था कि सुंबुल को एक बच्चे के तौर पे खेलते हुए आपने दिखा दिया, सलमान के पीछे से वो गुजर रही हैं, इट वॉज एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड इट वॉज नॉट नीडेड। सो सुंबुल तौकीर खान के जो फैंस हैं वो इस वक्त भड़क गए हैं, और भड़कते हुए आगे वो कहते हैं कि गौतम सौंदर्य, स्टैन एंड गोरी, आप सबको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि सुंबुल आपसे उम्र में छोटी है और आप उसका इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। एवरी वन इज टारगेटिंग सुंबुल, एंड सुंबुल ने एक बार नहीं कई बार बोला है कि मुझे भी फील होता है, मुझे भी बुरा लगता है, बस मैं सामने वाले के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती। ये है सुंबुल के संस्कार, और आप अपने संस्कार खुद ही शो पर दिखा रहे हैं। सो इस तरीके का रिएक्शन जो है, जैसा मैंने कहा कि ये रिएक्शन फैंस का निकल कर सामने आया है, अब बारी आपकी है। जैसा मैंने, जितना भी मैं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ इस वक्त, जो भी कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि सुंबुल शो के अंदर भले ही लड़ने का कंटेंट नहीं दे रही, लेकिन तमीज़ कैसे दिखानी है शो में, इस बात का कंटेंट सबसे ज़्यादा सुंबुल दे रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, बताइएगा।